हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं मेला। सो सर्दों से मेला स्टार्ट हो चुका है पिथौरागढ़ में, और हमारे साथ है बहुत सारे लोग आगे। तो ये लोग पीछे से आ रहे हैं, चलते हैं वहाँ का माहौल कैसा हो रहा है एक बार देख के आते हैं। लेट्स गो। तो पिथौरागढ़ में मेला स्टार्ट हो चुका है, और देख सकते हैं। फ्रेंड, अभी हम जा रहे हैं मेले देखने के लिए। तो अभी हम ऊपर से देख चुके हैं, तो नीचे जाके देखते हैं कैसा बना। देखिए इतना ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, हम लोग नीचे उतर गए हैं यहाँ से। देखिए, अच्छे से देखिए। तो पिथौरागढ़ में मेला स्टार्ट हो चुका है सरदो साहब। तो चलिए चलते हैं अंदर, इंटर करते हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो। तो हमें इसके अंदर से जाना पड़ेगा। कौन सा है ये? देखिए 5 रुपया हर माल। आओ यहाँ पे देखिए, मेले में इतना चिपचिपा पा रखे है। पर लेंगे कुछ नहीं हम लोग, सिर्फ देखेंगे, पैसा नहीं है ना। जो है ये बड़ा सा झूले का तैयारी कर रहे हैं, बना नहीं है पूरा, इस वाले में पक्का बैठूंगी। जय शिमला केदार, जय माँ कोकिला कनार। आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये विराट भवन जिसे कोई एक व्यक्ति नहीं उठा पाता, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे संस्कृति के ध्वजवाहक, हमारे संस्कृति के रक्षक, हमारी लोक परंपराओं के संवाहक ये दमव लेकर के हमारे पिथौरागढ़ नगर में पहुंचे। ये हम सभी को आशीष दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी माताएं बहने अपने सांस्कृतिक उत्सव को किस तरीके से जीवंत रखे हुए हैं। सफेद पगड़ियों में हमारी संस्कृति को बचाए रखने का उपक्रम महेंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंच चुका है। जारा जिबली कनार का यह दल, यह बजाना कोई साधारण बात नहीं है। ये देव देवताओं का दमोह है, ये ईश्वर का दमोह है, और यहाँ पर उनका आवाहन भी हम करते हैं। और एशियन अकेडमी के भी छात्र यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। एनसीसी कैडेट यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और मल्लिका गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल की छात्राएं। जो हमारे मन पर थे सार नत विचार मिटा दें, इन्हें भरे जो जल छू यू निर्मलता प्रतीक छू। तो कुल मिलावे जो यह कलश छू वो मंगल कामना प्रतीक छू। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बस थोड़ी ही देर में हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। थोड़ी देर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, देखते हैं यहाँ का प्रोग्राम। आयोजित सर्दोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी 2022 में हम देख रहे हैं पूरा देवसिंह मैदान खचा कर भरा हुआ है। ये दर्शाता है कि हम कितने उत्सव धर्मी हैं, हमारा कितना अपने लोक संस्कृति, लोक विरासत, लोक प्रतिभाओं को यह मंच मिले, और साथ ही अन्य राज्यों के दलों को भी हम देखें, उनसे बहुत चीजों को सीखने को मिले। उत्साहित करता है, हम सभी को गदगद करता है। हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री पूरे मुख्य मंच पर लाया जा रहा है, हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का अभिनंदन, क्योंकि एक जनता के बीच से गया हुआ हमारे पिथौरागढ़ का लाडला पुत्र, लाडला सपूत, हमारे पिथौरागढ़ का लाडला लाल, जो अभी उत्तराखंड का भाल बन करके उनकी तेजस्विता को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी कहते हैं कि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड विकास की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारा पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी है, और लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि श्री पुष्कर सिंह धामी जी आम जनमानस के चितेरे बने हुए हैं, चाहे स्कूली बच्चे हो, आम जनमानस हो, उनके
प्रति जो स्नेह है, उनका जो प्रेम है। सावंत जी यहाँ पर कॉपरेटिव के अध्यक्ष आप सभी की ओजस्वी उपस्थिति में उद्घाटन किया जा रहा है हमारे इस कार्यक्रम का। हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे पिथौरागढ़ के लाल, हमारे ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो लगातार हमें आशीष देते हैं। और निवेदन होगा राजेंद्र सिंह रावत जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्य मंच पर लेकर के आएंगे। जोरदार तालियों से माननीय सांसद महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत। और लगातार उत्तराखंड की राजनीति के अजय योद्धा के रूप में जाने जाने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री बिशन सिंह सिफाल जी हमारे बीच में उपस्थित है, जोरदार तालियों से आपका भी अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे बीच में तेज तर्रार ओजस्वी प्रदेश प्रवक्ता यहाँ पर सुरेश जोशी जी उपस्थित है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारी जिला पंचायत को नया आयाम देने वाली दीपिका बोरा जी हमारे बीच में उपस्थित है, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन। कृपया धीरे धीरे, कोई भगदड़ नहीं करेंगे, आराम से आप सभी लोग एक बार कृपया स्थान छोड़ देंगे और धीरे से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप ही के बीच के हैं, आपके भाई हैं, आपके पुत्र हैं, आपके लाडले छोटे भाई बड़े भाई हैं, तो इनको आशीष दीजिए और नगर पालिका परिषद की ओर से हम अभिनंदन करते हैं। और ढोल दमाव लगातार इसकी थाप पर। और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत जी से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शॉल उड़ा करके उनका अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। और कुछ सभासद गणों के द्वारा पहले बुके यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। आराध्य भगवान भोस्करमान का यह प्रतीक। मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र सिंह रावत जी से कि आप हमारे मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। छह पट्टी सोर का यह हमारा एक ऐतिहासिक मंदिर है जहां बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे जिस तरीके से पहाड़ का लाल अपनी संस्कृति को नहीं भूला है, वो दो दमों पर भी अपनी थाप दिखा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां दमों बजाते हैं हमारे हमारे उत्तराखंड के से आभार व्यक्त करती है, अभिनंदन करती है। और इसके साथ ही हम वंदना के लिए यहाँ पर बच्चों को आमंत्रित करते हैं गंगोत्री गर्भ्याल राजकीय बालिका इंटर। Thank you.